गाइस आज सभी अवेंजर्स इवन मेरी फैमिली और साथ साथ में भाई देश का हर एक नागरिक जो अपने देश की परवाह करता है वो सब मिलिट्री बेस आ चुके हैं क्योंकि आज रेस होने जा रही है अगेन एक नए स्किबिडी टॉयलेट गॉड की और साथ साथ में हमारे नए टाइटन फोनमैन की। गाइस लास्ट टाइम तो आपको याद ही होगा एक स्किबिडी टॉयलेट गॉड ने यहाँ पर धोखा किया था टाइटन स्पीकर मैन के साथ और बुरी तरह से यहाँ पर उसको मार दिया था। गाइस ये रेस है सच्चाई की और अच्छाई की। अगर आज हमारा फोनमैन जीतता है तो स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को जिंदगी भर के लिए हमारी धरती से बाहर भेज दिया जाएगा। उसके फोन मैन को और साथ साथ में स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को यहां से भागना है, पूरे लॉस सैंटोस के टॉप पे आगे जाना है। कम ऑन फोन मैन तू जीत सकता है। बिल्कुल भाई फ्रैंकलिन मैं तेजी से भागूंगा। गाइस देखिए अपना फोन मैन लिटरली में टेलीपोर्ट हो रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है। और स्किबिडी मैं भी टेलीपोर्ट होकर भागूंगा। गाइस देखिए यहां पे रेस शुरू हो चुकी है और भाई साहब हम सब इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा। मैं तो चाहता हूं अपना यार फोन मैन ही जीते। अरे बाप रे ये मेरे बराबर में कैसे आ गया। और स्किबिडी ओए मेरे बड़े भाई ने उस स्पीकर मैन को कितना बढ़िया तरह से चीटिंग चढ़ाया था, मैं भी चीटिंग करूंगा। अभी रुक तेरी बैंड बजाता हूं। ओह नो गाइस स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर कभी नहीं सुधरते। भाई फोन मैन ये तो बुरी तरह से तेरे को हरा देंगे। नहीं फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं पहले से ही तैयार था। अभी रुक अपना फोन निकालता हूं और उसमें से कैमरा ऐप को स्विच करता हूं। भाई साहब अपना फोन मैन भी कुछ कम नहीं है, देखिए इसने फोन निकाल के कैमरा मैन स्विच किया और ये लगाता हूं मैं खतरनाक स्पीड रोटेशन। ओह माय गॉड गाइस अब तो हमारे फोन मैन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर जीत गए थे, इस वजह से दुनिया पे इनका कब्जा हो गया था। एक बार हम जीत गए तो फिर से धरती इंसानों के पास आ जाएगी और इसके ब्रिज को भगना होगा। और इसके बड़े वो तो आगे भाग गया। हे मैं जीत गया। अब फ्रैंकलिन देख अपना फोन मैन जीत गया। गाइस हमारा टाइटन फोन मैन जीत गया। नहीं इसके बड़े ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं फोन मैन। तूने चीटिंग की है, मुझे घुमाया, मुझे हराया। सबसे पहले तूने शुरुआत की थी, अब तू बचेगा नहीं। इसके बड़े मेरी बंदूकों से कैसे बचेगा इसके बड़े। नहीं अरे बाप रे ये तो चीटिंग कर रहा है। अरे नहीं ये क्या मिलिट्री वालों, अरे कुछ तो बोलो भाई साहब, इसने तो हमारे विनर टाइटन फोनमैन को बुरी तरह से जला के भस्म कर डाला। ओह माय गॉड हमारे टाइटन फोनमैन का पूरा टाइटन सूट ही खराब कर डाला। स्किबिडी ओए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था स्किबिडी, चीटर कहीं के। गाइस चीटिंग उसने की थी। अरे यार प्लीज यार कर्नल साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। ओए स्किबिडी मार रहा है। एक मिनट ये कर्नल स्किबिडी कर रहा है। ओए स्किबिडी ओए क्योंकि हम यहां पर तेरे आर्मी मैन नहीं, हम स्किबिडी हैं। नहीं धोखा नहीं मोहास के बेटे उसके बेटे मजा आ गया। स्किबिडी ओ यहाँ पर हमारा ये तो प्लान था, तुम जीतो या हारो यहाँ पर कब्जा तो स्किबिडीज का ही होगा धरती पे। अरे अवेंजर्स ये क्या हो गया। अजी फ्रैंकलिन भैया मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे ये क्या हो गया। ओडिन के सुम अब क्या होगा। अरे फ्रैंकलिन तो चिंता मत कर हम आ गए। अरे हाँ फ्रैंकलिन हम आ गए सबको बचाने के लिए। गाइस अपना भाई टीवी मैन और साथ साथ में स्पीकर मैन आ गए, इन लोगों ने फोन मैन को मार दिया, इनसे बदला लो। गाइस ये क्या, ओ भाई साहब अरे बाप रे अरे स्पीकर मैन पे हटो वहां से। अरे बाप रे ये कौन मार रहा है हमको। अरे स्किबिडी मैं मार रहा हूं तुमको। नहीं गाइस ये स्किबिडी टॉयलेट गॉड बहुत ताकतवर है, ये तो अपने बड़े भाई से भी खतरनाक है। आपको तो याद होगा इसके बड़े भाई को मैंने हराया था, लेकिन ये तो और ज्यादा तगड़ा है। नहीं फ्रैंकलिन बचा। गाइस कोई तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब, मुझे मुझे अपनी फैमिली को बचाना होगा। नहीं तुम लोग बहुत बड़े चीटर हो, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। ये फ्रैंकलिन भैया बचाइए, ये सब क्या हो रहा है। ओह माय गॉड गाइस ये लोग तो रोक ही नहीं रहे, लगता है आज तो मार के छोड़ेंगे। ओह नो गाइस अब हमें कौन बचाएगा। एक मिनट यहाँ पर स्पीकर मैन और टीवी मैन कहाँ गए। सिंचन चौप मेरे भाई वाकल में वाह भाई साफ नहीं आ रही है मेरे को, मैं तुझे चांद से मार दूंगा स्किबिडी गॉड और तेरी आर्मी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट वो कौन आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फ्रैंकलिन जल्दी मेरे साथ चलो। एक मिनट भाई साहब अरे फोन मैन तू तो मर गया था। नहीं वो मेरा टाइटन सूट था जो खराब हो गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। चलो गाइस शुक्र है हमारा फोन मैन अभी भी जिंदा है, लेकिन हम भाग कहाँ को रहे हैं। हमें तो अवेंजर्स को बचाना चाहिए ना, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है मेरे बच्चे फ्रैंकलिन जो मैं सबको बचा पाऊँ। नहीं नहीं हम हमेशा उनको छोड़ के नहीं जा सकते, तुझे पता है ना हम जब भी उनको छोड़ के जाते हैं ये जितने भी स्किबिडी हैं उनको ईविल बना डालते हैं। मैं जानता हूँ फ्रैंकलिन, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, ये लोग हमेशा चीटिंग करते हैं। इस बार हम जीते फिर भी हमारी दुनिया छोड़ के नहीं गए, इसलिए हमें इनका जड़ से सफाई करना होगा। हम इनका जड़ से सफाई करेंगे कैसे, मेरे पास एक और फोन मैन का सूट है। व्हाट अगर है तो भाई अभी तक तूने उसको पहना क्यों नहीं। क्योंकि वो छोटा है इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत कर एक दिन तू इस फोन मैन के सूट को टाइटन फोन मैन बनाएगा और हमारी पूरी दुनिया को बचाएगा। एक मिनट गाइस मुझे तो यहाँ पर मेरे भाई फोन मैन ने गोल्डन फोन का सूट दे दिया। खैर दोस्तों एक काम करते हैं अपने इस नए स्मार्टफोन में देखते हैं कि शहर में चल क्या रहा है। ब्रेकिंग न्यूज इसके ब्रेड टॉयलेट मॉन्स्टर ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है कि खबर आ रही है आने वाले कुछ समय में शहर में जितने भी लोग फोन चला रहे हैं या फोन जिन जिन के पास है वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। मैंने तो अपना फोन तोड़ के रख दिया है, पाओ न्यूज चैनल भी बंद कर रहा हो। अब ये क्या होने जा रहा है। एक मिनट गाइस मुझे
शहर वालों को आगाह करना होगा। भाई साहब जल्दी जल्दी चलते हैं। हेलो मैम सर। अरे बाप रे बड़ा मजा आ रहा है, मेरा फेवरेट सीरियल है। अरे यार गाइस प्लीज फोन मत चलाओ, मतलब चलाओ मत, फेंक दो, दूर फेंक दो। अबे पागल है क्या हो भाई, फोन के बिना जिंदगी नहीं है। अरे बिल्कुल जिंदगी नहीं है फोन के बिना। नहीं गाइस प्लीज एक मिनट, इसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। यहाँ पर इसके ब्रिटो मॉन्स्टर ने इन फोन्स पे कुछ ऐसा कर दिया जिससे ब्लास्ट होंगे। अरे भाई कैसी बकवास कहानी सुना रहा है, खुद फोन मैंने हमें फोन का बहाना देकर डरा रहा है। अरे बात तो इसने सही कही, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी क्यों पागल बन रहा हूँ। अरे नहीं मर गई ही, बचाओ। अरे भाई मर गए, मैं बचाओ। ओह नो, ये क्या गाइस, इसका मतलब न्यूज रिपोर्टर ने सही कहा था। भाई साहब एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर इनको नहीं बचा पाया तो और कैसे बचाऊं। गाइस आप सभी तो जानते हैं आज के जमाने पे हर एक इंसान पर फोन होता है, मैं सबको कैसे बचाऊं। यहाँ पर हम फोन तो लोगों से दूर नहीं कर सकते, लेकिन फोन को ठीक जरूर कर सकते हैं। भाई साहब कार भी ब्लास्ट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कार में भी लोग फोन लेकर ही चलते हैं। नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, ये जरूर गाइस ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं इसके ब्रिटो मॉन्स्टर, जिससे कि दुनिया फोन से नफरत करने लग जाए, कोई मुझे प्यार ना करे। बहुत हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पर इसके ब्रिटो मॉन्स्टर का पर्दाफाश। ये क्या हो रहा है, एक मिनट मैं तो भूल गया था, मैं भी तो फोन मैन हूं लगता है, मेरा फोन भी ब्लास्ट होने वाला है। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखिए, मैं मरना नहीं चाहता। ओह नो ये क्या हो रहा है, ओए इसके बड़े मजा आ गया, और इसके बड़े लेकिन ये सब हो कैसे रहा है। एक मिनट गाइस ये क्या, ये दो इसके ब्रिटो मॉन्स्टर किस बात की मजे की बात कर रहे हैं। अरे उसके ब्रिटो की तेरे को नहीं पता, ओए हमारे बॉस ने एक ऐसी ह्यूमन लैब में काम करवाया है ऐसे फोन पर, जिस फोन को उन्होंने मॉडिफाई कर डाला है। माना गया उस फोन में एक रेड लाइट को ऑन किया गया है, अगर कोई इसको ग्रीन कर दे तो पूरे देश को या पूरे शहर के फोनों को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके ब्रिटो के बड़े कौन बचाएगा। ओके तो यहाँ पर मुझे कोई ह्यूमन नाम से कोई लैब ढूंढनी होगी जहाँ पर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाइस मैंने ह्यूमन लैब ढूंढ ली है और मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। गाइस ये यहाँ का शटर ओपन हो गया, और राइट मेरे को जल्दी जाना चाहिए। गाइस यहाँ पर कोई ऐसा फोन है जिसमें रेड लाइट ऑन की गई है, जिस वजह से जितने भी फोन है वो टाइम टू टाइम फटते जा रहे हैं। और उसके बड़े जल्दी चलता हूँ, काफी भूख लगी है, और देख लेता हूँ वो फोन ठीक तो है ना। भाई साहब लगता है गाइस ये वाला जो इसकी ब्रिटो मॉन्स्टर है मुझे उस फोन की तरफ लेके जाएगा। मैं तो अंदर आ रहा था, ये तो बाहर गया है। खैर दोस्तों मैं उसी का पीछा करता हूँ, देखते हैं दोस्तों वो कहाँ जा रहा है। मुझे उस फोन को छीन कर अपने पावर में लाना पड़ेगा, जिससे ओ भाई साहब यहाँ तो जीमन इसकी ब्रिटो मॉन्स्टर है। अरे भैया ओ माय गॉड यहाँ तो डेविल इसकी ब्रिटिश भी है। अरे बाप रे यार एक से एक खतरनाक स्केबिडी टॉय मॉन्स्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। स्केबिडी और देखो कैसे मर रहे हैं लोग, कैसे मर रहे हैं, ये तो सब फोन में देख रहे हैं यहीं से बैठ के। और इसको देखिए, और स्केबिडी काफी मजा आ रहा है, और मुझे भी दिखाओ कौन-कौन मर रहा है। बहुत हो गया अभी बताता हूं बेटा तुम लोगों। गाइस मुझे सबसे पहले इन लोगों को पीटने के लिए एक स्मार्ट कार चाहिए, स्मार्ट कार सुपर कार ये वाली खरीदते हैं गाइस। हां ज़ेनोट्रोनो खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं अभी लेट्स गो, हमें ज़ेनोट्रोनो मिल गई है। भाई साहब अब बीच में टक्कर लगाता हूं, लेट्स गो गाइस। देखिए मैंने कैसी बैंड बजाई, अरे इसके बड़ी वो क्या पीटा है मुझे, इसके बड़ी और इसके बड़े ये कौन है। फाइनली गाइस अब मुझे स्मार्टफोन चाहिए, और मैं जल्दी से इसको अपनी स्क्रीन से कनेक्ट करके उस रेड लाइट को बंद करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी करते हैं। अरे बाप रे नहीं गाइस, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर ये सब नहीं कर सकता, वरना ये जीवन मेरी बैंड बजाता रहेगा। मुझे ये सब शायद सबसे पहले फोन को अपनी बॉडी से अटैच करने की बात करना होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा वैसे मेरा दोस्त फोन मैन तो कर सकता है, लेकिन शायद मैं भी कर पाऊँ। चलो गाइस ट्राई कर लेते हैं। गाइस नहीं मेरा फोन खराब हो रहा है, बहुत हो गया, मुझे जल्दी से इस बड़े वाले फोन को अपनी बॉडी पर अटैच करना होगा। कम ऑन फ्रैंकलिन तू कर सकता है। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाला कैमरा फिल्टर और ये अटैच फिल्टर लगाया, लेट्स गो। वाह आई डिड इट गाइस, आई डिड इट, मेरा फोन देखिए कितना बड़ा हो गया। और उसके बड़े ये क्या हो गया, अभी बताता हूँ बेटा तेरे को क्या हो गया। निकल यहाँ से, तुम सभी ने यहाँ पर इस फोन में ऐसा क्या किया है हाँ, जिससे कि पूरी दुनिया के फोन फट रहे हैं। अच्छी बात तो ये है गाइस के आसपास इस फोन के रेंज के ज्यादा फोन नहीं थे, इसलिए ज्यादा ब्लास्ट हुए। इसका मतलब अभी मैं इंसानियत को और फोन्स को बचा सकता हूँ। चलो जल्दी से फोन में कोई सिग्नल निकालते हैं, कहाँ है, सेटिंग में गए। ओके यहाँ पर रेड लाइट हुई पड़ी है, मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन का मतलब यहाँ पर सुकून, लेट्स गो। भाई साहब हमने रेड सिग्नल को ग्रीन कर दिया। वाह शुक्रिया शुक्रिया भाई फोन मैन तूने हमें बचा लिया। अरे बच्चे फोन मैन देख अब हमारे सारे फोन बढ़िया हो गए, रेंज में आने के बाद भी फट नहीं रहे। लेट्स गो गाइस हमने यहाँ पर सारे स्मार्टफोन्स को बचा लिया, लेकिन गाइस अभी दुनिया को बचाना बाकी रह गया है। मेरे बच्चे मैं इस ह्यूमन लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हूँ, यहाँ पर एक नहीं दो फोन बनाए गए थे, एक फोन को कहीं लॉस सैंटोस से बाहर बेचने ले जाया गया है नॉर्थ यंगटन वाली जगह पे। व्हाट एक और फोन है गाइस, अगर एक और फोन है तो इसका मतलब दुनिया अभी भी खतरे में है। मुझे अपने बॉस से पूछना होगा ये नॉर्थ यंगटन जगह पड़ती कहां पर है। अरे मेरे भाई क्या हो गया फ्रैंकलिन, मुझे यहां पर दो फोन के बारे में पता चला है, एक फोन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया जो लोगों को ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहा था, लेकिन दूसरा फोन हमारे देश से कहीं दूर नॉर्थ यंगटन वाली जगह पर लेकर गया है। क्या तू जानता है वहां पर कैसे पहुंचना है। अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन एक काम कर, अपने फोन का कैमरा खोल और
में मैप निकाल, कैमरा खोला और मैप, अरे मैं निकालता हूँ, रुक जाए एक मिनट गाइस, अभी मुझे ठीक से चलाना नहीं आता। देख यहाँ है हमारा पूरा लॉस सेंटोस, हाँ, और इधर एक छोटा सा टापू है, वहाँ पर हमें नॉर्थ सेंटर मिलता है। अरे बाप रे, मैं तुझे टेलीपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पर, 1 2 3। ओ भाई साहब, कैसे टेलीपोर्ट किया, उल्टी सी आने लगी मेरे को तो। भाई साहब गाइस ये देखिए, अरे ये कौन है, ये तो रेड आर्मी जी मैन स्केबिड टॉयलेट मॉन्स्टर है, ये क्या, इसकी तो आंखें ही नहीं है। ओए स्केबिड स्केबिड, और ये फोन यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ओए स्केबिड स्केबिड, भाई साहब ये फोन आज के जमाने का नहीं लग रहा, इस पे तो भाई साहब जंग ही जंग लगा पड़ा है भाई, पूरा का पूरा बेकार हुआ पड़ा है ये। खैर दोस्तों, यहाँ पर मेरे को जल्दी से इस खतरनाक स्केबिड की आर्मी की बैंड बजानी पड़ेगी। अरे स्केबिड आई, ये कौन आ गया स्केबिड स्केबिड, मैं जानता हूँ तुम इस फोन को दुनिया के खिलाफ यूज करने वाले हो, लेकिन मैं इस फोन का इस्तेमाल करूंगा दुनिया की भलाई करने के लिए। चलो यहाँ पे वाइब्रेशन मोड करते हैं ऑन, और गाइस अब देखना क्या होता है। अरे स्केबिड स्केबिड, और मेरा कान गूंज रहा है, लेट्स गो। मेरे फोन का वाइब्रेशन मोड इतने हाई लेवल पे डाल दिया है मैंने कि आसपास के जितने भी स्केबिड मॉन्स्टर हैं उन सबके कान ब्लास्ट हो जाएंगे। और देखिए गाइस, फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और हमने इन सबकी बैंड बजा दी। इतनी आसानी से नहीं स्केबिड स्केबिड, अभी बताता हूं जरा, ये ले इसकी भी हमने फाइनली गाइस बैंड बजा दी। फाइनली मैंने यहां पर दूसरा फोन भी ढूंढ निकाला। गाइस यार एक काम करते हैं, जल्दी से इस ये जो जंग लगा हुआ फोन है ना, इसको लेके चलते हैं अपने बॉस के पास और उससे बोलते हैं भाई इस वाले फोन को वो ठीक करके मेरी बॉडी पे फिट कर दे, उसके बाद देखते हैं गाइस मैं यहां पर क्या बनता हूं। अरे वाह फ्रैंकलिन, तू एक और फोन ले आया, अब जल्दी से प्लीज इसका जितना भी वायरस है उसको बाहर निकाल दीजिए और इसको एकदम रीसेट करके मेरी बॉडी पे सेट कर दीजिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी वाइब्रेशन वाला फोन है। हां मैं जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं जिससे कि मैं ताकतवर बन जाऊं। ठीक है फ्रैंकलिन, 1 2 और ये 3, लेट्स गो। भाई साहब मैं तो अपने टीचर जितना बड़ा लेकिन और खतरनाक ताकतवर गोल्डन फोन मैन बन गया भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए टीचर जी, मैं यहाँ पर सबको बचा के रहूंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, गाइस चलो जल्दी से हम वापस एयरपोर्ट आ चुके हैं। गाइस देखिए बेचारा टीवी मैन स्पीकर मैन यहाँ पर आए तो थे हमको बचाने, लेकिन बेचारे आज बहुत बुरी हालत में, शायद बेहोश हैं या फिर मर चुके हैं, मैं तो इतना भी नहीं जानता। इसके बड़े काफी मजा आ रहा है। अरे हाँ इसके बड़े बहुत मजा आ रहा है। ओह नो, अवेंजर्स का क्या हुआ? गाइस ये लोग तो अभी तक बेहोश है, मुझे इन सभी को उठाना होगा। अरे इसके बड़े तो ये फ्रैंकलिन हार नहीं माना, कोई बात नहीं है। ओए हार मत मान, हम तुझे ही मार देंगे। अच्छा अभी बताता हूँ तेरे को बेटा, वाइब्रेशन मोड करते हैं ऑन और ये सुपर साउंड स्पीड रोटेशन, लेट्स गो। अरे क्या हो रहा है भाई, अबे करंट भी लग रहा है और साथ में घूम भी रहा है। लेट्स गो गाइस, देखिए मेरा वाइब्रेशन मोड कितना खतरनाक है, इसके चक्कर में मैंने क्या तूफान ला दिया यहाँ पर। और है स्केबिड, और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, अभी बताता स्केबिडी ब्लास्ट स्केबिडी ब्लास्ट। अरे ये क्या था, ओ भाई साहब इसने तो मुझे हवा में भेज दिया। जा अब अंतरिक्ष में जाकर सुपर हीरो बन जा स्केबिड स्केबिड। नहीं अरे बाप रे, ये कहाँ भेज दिया इसने मेरे को, नहीं कोई बचाओ। स्केबिड स्केबिड गया बेचारा। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ से देखिए वो स्केबिड मॉन्स्टर दिख रहा है मेरे को। ओ भाई साहब एक मिनट, ये क्या गाइस, ये क्या चीज़ है भाई साहब, ऐसा लगता है कोई एलियन फोन हो यार। इसके तो हाथ भी हैं भाई, और इसका मैकेनिज्म भी एकदम ठीक है, मतलब ये अगर मैं इसको अपनी बॉडी से अटैच कर लूँ तो गाइस क्या ये सच में काम कर पाएगा? यार ये कोई ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो कोई एक एलियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया फोन है। चलो गाइस अटैच फिल्टर लगाते हैं, लेट्स गो। मैंने कर दिखाया। ओह स्केबिड, और ये इतना बड़ा कौन है गाइस, मुझे देखिए भाई। यार पहले इसके सामने हम बच्चे लगते थे, चींटी लगते थे, और अब ये मेरे सामने बच्चा लग रहा है। गाइस अब देखिए भाई इस स्केबिड टॉयलेट को और खिए की सजा मैं कैसे देता हूँ। ये निकाला हमने स्मार्टफोन, यहाँ पे जाते हैं भाई, एक रेड लाइट लगाते हैं। आप तो जानते हैं रेड लाइट किसके काम करती है, ये करती है टोटल एक्सप्लोजन के काम, और यहाँ पर ऐसा एक्सप्लोजन करूंगा कि इसकी पूरी दुनिया घूम जाएगी। अरे नहीं स्केबिड इसके का कर दिया, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर मैंने स्केबिड टॉयलेट मॉन्स्टर की पूरी बॉडी में ब्लैक फ्लेम साथ में फायर एक्सप्लोजन लगा दिए, जिस वजह से यहाँ पर इसका क्या हालत हो गया। नहीं स्केबिड स्केबिड, और मुझे भागना पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बच्चे मैं तेरे बारे में क्या ही कहूँ, तूने बचा लिया। अरे फ्रैंकलिन मुझे तो मजे ही आ गए, हल्क भी खुश हो गया, हल्क को बचा लिया गया, लेट्स गो गाइस। बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, थैंक यू सो मच।